Hey, hi, hello, and welcome back to my channel. Good morning, guys. Hi, guys. Do you have this weird feeling कि आप सिर्फ लाइफ में दौड़ रहे हो, किसी गोल को पाने के लिए बस भाग रहे हो, उसी के लिए दिन रात जी रहे हो, जाग रहे हो? मुझे ऐसा लास्ट ईयर बहुत ज्यादा फील हुआ, एंड इट वॉज ऑल वर्थ इट, क्योंकि मेहनत और हार्डवर्क शो भी हुई मेरी लाइफ में. बट देर इज दिस वन डे वेर आई जस्ट वॉन्ट अ पॉज, आई वॉन्ट अ फील द मोमेंट, आई वॉन्ट अ चेरिश माई लाइफ, आई वॉन्ट टू से दैट येस आई डिड अ ग्रेट जॉब एंड मे बी टेक अ पॉज फॉर अ डे एंड डू समथिंग फॉर माई ओन. सो स्टार्टिंग द वीडियो ऑन लिटिल लाइटर मोड, मुझे बस अपनी क्योटिक लाइफ से थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था कि हाँ मैं पीसफुल हूँ किसी जगह पे. सो आई टुक अ बस फ्रॉम दिल्ली टू कसौल, विच अगेन वट मेस आई डिड आई टेल यू. आई मिस द बस फ्रॉम दिल्ली टू कसौल एट 8:30 PM एंड अगेन आई हैड टू रीबुक एट 9:10. आई विश आई कुड शूट दैट पार्ट वेर एन आई वॉज रनिंग टू कैच माई बस, बट देन फाइनली आई गॉट अ बस एट 9:10 एंड वी स्टार्टेड द ट्रिप. बारिश हो रही है यहाँ, देखोगे तो पता लगेगा. And I still can't believe that I'm here. I have reached in Kasol and that too on time. Like मैं 9 बजे निकली, आपको स्टोरी पता लगी होगी कि मेरी बस छूट गई थी एंड देन सेकेंड बस 9 बजे ली एंड वी हैव रीच्ड एट 8. वाओ. मेरे होटल का चेक इन टाइम है 11 बजे, आई मीन 11-12 बजे, और मैं पहुंच गई हूँ 8-9 बजे. तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाऊँ, कोई कैफ़े भी नहीं खुला हुआ है, कुछ भी नहीं खुला हुआ है, एवरीथिंग इज़ जस्ट क्लोज्ड ओवर हियर. सो मे बी आई विल हैव टू स्टार्ट लाइक दिस हियर इन दिस शेड. But then we say that जहाँ चाह है वहाँ राह है. I somehow managed to find a cafe near Kasol and वहाँ बैठ के मैंने खुद को warm किया, but it was so freaking cold in Kasol. And then somehow I watched the whole scenery, beautiful nature, and it was so quiet over there. Everything was just so quiet. पिछली बार जब मैं आई थी तो समर्स में आई थी, ठीक है, तो तब बहुत सीन अलग था, अब बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा ठंड है, ऐसा लग रहा है पहले तो मैं कश्मीर में आ गई हूँ. चलते हैं बाहर अभी. मेरा रूम थोड़ा सा मेसी हो रखा है और सबसे अच्छा बाहर का व्यू देखो आप लोग, इट्स सो गुड. वहाँ स्नो पड़ी हुई है एंड अभी ऐसे ही बाहर जाने का प्लान किया था, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है, मतलब यही बालकनी में यहीं पे बैठ के मुझे इतना अच्छा लग रहा है, जस्ट टू सी योर एंड देन नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक कॉन्टेंट पर्पज के लिए. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बिकॉज बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर से यहाँ पे पूरा ऐसा हो रहा है. अभी थोड़ी कम हुई है तो मैं थोड़ा ड्रेसअप हुई कि हाँ चलो इधर उधर हो आते हैं, घूम आते हैं, बस एंजॉय करो गाइस, समटाइम्स इट्स ऑल अबाउट पीस. अभी बोला मैंने मुझे बाहर जाना है, अभी आप बारिश की बूंदें देखो कितनी तेज हो गई. सो आई कांट रियली गो, ओह वाओ, लेकिन प्रिटी लग रहा है. देखो गाइस निकल लिए हैं हम इस रोड से, बूट्स पहन के, और ये पता नहीं कैसे हट्स है, मेरा इसमें रहने का मन कर रहा है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये है क्या. लेट्स सी, कल का स्टे मैंने सिर्फ है ना गाइस एक दिन का स्टे बुक किया है कि 3 दिन, अभी 3-4 दिन रहने का प्लान है, हर दिन चेंज कर करके रहूँगी. तो देखते कल में भी हम ये वाला देखेंगे और वो वाला पहाड़. देखो गाइस बर्फ़ पड़ी है उस पहाड़ पर, कितना बढ़िया बनाया. बॉन फायर करते होंगे इन्हीं लोगों का है, कैंप वालों का ही. कैंप बहुत महंगा है, इट्स नॉट वर्थ 2500, तो मुझे पता नहीं अभी करूँगी कि नहीं. बारिश हो रही है तो ये बंद है, बट इतना अच्छा बनाया हुआ है ये. बस जंगल पे चल रही हूँ. सो बेसिकली यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग कि मैं इस जंगल में अकेले क्यों घूम रही हूँ. सो आई रियली वॉन्टेड टू सिट नियर पार्वती रिवर एंड आई वॉन्टेड टू सी द व्यू, द साउंड ऑफ रिवर, एंड देन आई वॉज लकी इनफ कि मुझे एक डॉग मिला हु गाइडेड मी टू द रिवर साइड, बिकॉज आई वॉज गेटिंग लॉस्ट बार बार. मुझे पता नहीं था किधर साइड से रिवर साइड जाते हैं एंड इफ इट्स सेफ और नॉट, पर उसके पीछे पीछे जाके ही गाइडेड मी सो वेल दैट आई फाउंड द स्पॉट वेर आई वॉन्टेड टू सिट. अच्छा ये तो सुसु भी करने लगा, जाना कहाँ से अब बताओ हमें. गाइस रिवर के पास देखो कितनी अच्छी प्यारी सी रिवर, और बस मुझे यहाँ पे अकेले बैठना है, चिल करना है, आसमान देखना है. तो रात होगी तो रात में तो क्या कसौल में वो होती है ना, ज़्यादा घंटे से मैं यही बैठी हुई हूँ और कुत्तू भी मेरे साथ ही बैठा हुआ है.
शाम हो रही है तो यहाँ से उठना पड़ेगा, बट दिस इज ऐसे ट्री देखो कितना प्यारा है, और ये देखो एकदम पास से इस पे बूंदे है, देख रहे हो कितनी ठंड पड़ रही है, आप इससे गेस कर लो। बट चुभने वाली ठंड नहीं है, प्यारी सी ठंड है, बर्फ। एंड ऑलमोस्ट पूरा दिन अकेले बिताने के बाद आई रियली वॉन्टेड टू मीट सम न्यू पीपल एंड टॉक टू देम, सो आई वेंट टू दिस कैफे जहाँ से बहुत अच्छी आवाज़ आ रही थी गानों की, एंड पीपल वर वाइबिंग देयर, एंड देन आई वेंट वहाँ, मैंने अच्छे से आग से की सबके साथ, एंड एक ग्रुप था थिलोफिला से जो आया हुआ था। वेलकम टू डे टू इन कसौल। तो मैं अभी फुल रेडी हो गई हूँ टू मूव इन टू अ नाइस कैंप, तो मैं भी अभी जाऊँगी आपको और दिखाऊँगी, एंड लेट्स एक्सप्लोर द डे टुडे। बहुत मस्त करूँगी गाइस, बहुत प्यारा व्यू था, और रात में तो कुछ नहीं दिख रहा था, सुबह पे वहाँ पे देखो बहुत बर्फ़ पड़ी है, कल इतनी बर्फ थी नहीं इस पहाड़ पर। सो लेट्स से बाय, वेलकम बैक। हो कल मैं इसी कैंप में जाने की बात कर रही थी, बट अभी मैं सोच रही हूँ कि जो मैंने कैंप देखा है वहीं पर रहूँ, क्योंकि उसका व्यू बहुत अच्छा है, सिपावती वैली दिख रही है पूरी, और दूसरी बात ये कि आज मौसम बहुत अच्छा है, कल जैसे बारिश नहीं हो रही है, तो हम चलते हैं अभी कैंप की ओर। और बेटर है, कल मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था मैं क्या ब्लॉग करूँ, इतनी बारिश में मुझे टेंशन भी हो रही थी, पर आज थोड़ा बेटर है, एंड ऊपर जाने का भी प्लान था तोशा मनाना। मैं आज भी उसी जगह जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने जहाँ मैं कल गई थी, क्योंकि वहाँ का हॉट चॉकलेट बहुत अच्छा है। बहुत से लोग आए हुए थे थिलोफिला ने पूरा ऐसे अननोन ट्रैवलर्स को साथ में एक ग्रुप में भेजा हुआ था, तो आई डोंट नो सम लाइक 10-15 पीपल वर देयर टुगेदर ट्रैवलिंग, एंड वन वुमन वाज फ्रॉम साउथ। तो कल मैं यहाँ आई थी, अभी आ जा रही हूँ, यूनिक व्यू है, सो नाइस। कहीं इसी साइड, इधर ही कहीं इसी साइड टेंट होगा मेरा, एंड सुंदर है वो कैफे है गाइस जहाँ मैं कल आई थी, वहीं पे आग जल रही थी, वहीं सारे बैठे हुए थे, एंड दिस इज द होल थिंग। बहुत नाइस है यहाँ पे, गर्म पे बैठे हो, चाय वाय कोल्ड कॉफी सब पिया मैंने कल। ब्रेकफास्ट आ गया गाइस, मैगी मंगाई है मैंने, सैंडविच, तुम लोग सोचोगे कितना खा रही है, बट देन मैं यहाँ पे 2-3 घंटे बैठे वाली हूँ लंच तक, तब तक कुछ लोग आ जाएंगे तो उनके साथ बैठूंगी, आई एम सो बेली सब, दैट्स व्हाई आई ऑर्डर्ड सो मच फूड। चलो गाइस चेक इन कर रहे हैं, ये रहा मेरा टेंट कैंप, मैंने टेंट बोल दिया, तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, लाइक द फाइनेस्ट इन कसौल। मैंने काफ़ी पिछली बार भी देखे थे और इस बार भी, तो ऐसा कुछ है इसका अंदर का यहाँ पे, एंड दिस इज़ माई बैग, तो आई लाइक्ड इट, आई रियली लाइक्ड इट। ये कैसी बस ये डरावनी आवाज़ कर रहा है, और यहाँ से पूरा हम व्यू भी देख सकते हैं पूरे पहाड़ों का, बस इस दरवाजे की आवाज़ थोड़ी डरावनी है भाई। इस करी थी गाइस, अब फाइनली ब्रेकफास्ट करा, थोड़ा सा रेस्ट करा, थोड़ी सी एडिटिंग भी करी थी, तो शाम में निकल के अब जा रहे हैं कैफेज एक्सप्लोर करने फाइनली। So today I made plans to explore the main Kasol market. और इतना सुंदर है, अब सब जगह मुझे देख देख के लग रहा है वाह यहाँ भी रह सकती थी मैं। कसौल जाने के रास्ते में जाते जाते ये स्टेज मिले। So while I was in bus from Delhi to Kasol, मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं हर दिन कोई नए स्टे होटल या कैंप में रहूँगी, मैं एक जगह चारों दिन नहीं रहूँगी, सो आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर दैट एवरीवेयर। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो गए मुझे चलते चलते, और मैंने प्लान किया था कि मैं पैदल ही जाऊंगी, इट वाज लाइक 5-6 किलोमीटर्स, जिसमें 4 किलोमीटर्स हो गए हैं, एंड मैं सोच रहा था मैं कोई लिफ्ट नहीं लूँगी, कुछ नहीं लूँगी, जबकि कितनी गाड़ी भी जा रही थी, पर आई एम लविंग इट।
आई वॉक्ड थ्रू एंड वी हैव रीच्ड द कसौल मार्केट. सब कुछ एस्थेटिक ही लग रहा है यहाँ पे, प्यारा सा. But now I'm tired. Guys, हम जा रहे हैं ये ऑफ लिमिट्स में अभी. ये रास्ता है थोड़ा अंदर की तरफ है. कैफे ढूंढ रही हूँ मैं अपना. बहुत अच्छी वाइब हो रही है. ये देखो ऊपर पूरा द कैफे. ऑफ लिमिट्स जाना था मुझे, मैंने सुना है यहाँ के बारे में बहुत. वाओ इट्स लुकिंग सो प्रिटी. इस वाइब देखो जो हम जा रहे ऑफ लिमिट्स आ गए हैं कैफे गाइस. यहाँ बारिश हो रही है सो वी कांट सिट हियर. वी गोना सिट देयर. मैंने ऑर्डर किया है द वर्ल्ड्स फर्स्ट हेम हॉट चॉकलेट. लुक्स नाइस. टेस्ट करके बताती हूँ. इट्स सो गुड. गाइस पास्ता आ गया हमारा. देखने में इतना खूबसूरत और यम लग रहा है. एंड गाइस कैफे से निकलने के बाद यू वोंट बिलीव क्या हुआ. एकदम से स्नो गिरने लगी एंड आई वाज लिटरली मेस्मराइज्ड कि क्या हुआ. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग यू वोंट बिलीव फिर क्या हुआ. एकदम से धूप हो गई. मैं कैंप से ऐसे बाहर दौड़ते दौड़ते आई कि भाई धूप निकल गई है. दो या आज तीसरा दिन होने वाला था. मुझे लगा आज भी बारिश होगी बट आई एम ग्लैड धूप निकल गई है. सही वेदर हो रहा है अब. अब मुझे लग रहा है कि वैसे मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है. मैं एक्साइटमेंट थी कि मतलब चलो ये भी वेदर देख रही हूँ. बट आई वाज रियली डाइंग टू सी धूप इन कसौल क्योंकि यहाँ की धूप बहुत अच्छी होती है. मेरे बैग से मकड़ी निकली है. वहाँ पे है इतनी बड़ी मकड़ी. मैंने बैग उड़ा के यहाँ फेंक दिया. एंड द थर्ड डे आई रियली फेल लाइक कि अब तो धूप भी निकल रही है और मैं बहुत ज़्यादा कसौल या कसौल की साइड में रह ली. सो आई वॉन्टेड टू स्टे इन अ विलेज टुडे. सो आई वॉज रियली कन्फ्यूज कि मलाना जाऊँ या तोश जाऊँ या छलाल जाऊँ. एंड देन एवरीबडी वॉज सेइंग दैट वहाँ स्नो गिर रही है बहुत ज़्यादा. सो इट्स बेटर टू गो टू छलाल. तो छलाल इज़ अ विलेज एंड वहाँ जाने की तैयारी थी. निकल गए गाइस सामान वामान रख के बैग में टू द कसौल मार्केट. व्यू देखते हुए जा रहे हैं. कैसी वो वाला कैफे जब मैं पिछली बार आई थी पंचतारा छलाल. ये छलाल वाला ही रास्ता है गाइस. आज सच में बहुत अच्छा लग रहा है. टुडे इज द फाइनेस्ट डे क्योंकि धूप निकली है. एंड गाइस वी आर ऑन द कसौल्स फेमस ब्रिज. इस ब्रिज से जा रहे छलाल उस साइड. देखो रास्ते कैसे स्टार्ट हुए. पूरा गंदा हो गया लेकिन यहाँ पे रिवर द साउंड. अब पूरा रास्ता बन गया. पिछले बार का अगर व्लॉग याद होगा आपको तो रास्ते पूरे कच्चे कच्चे थे तो अब पूरे बन गए हैं. गाइस यहाँ से स्टार्ट होगी ऑफ रोडिंग. ओह गॉड भैया ये कैफे देखो यार. चलते चलते गाइस मुझे ये वाला एक अच्छा लगा है यहाँ बीच गाँव में छलाल में. तो इसका प्राइस पूछ के आते हैं कितने का है फिर यहीं रहेंगे. कुत्ते आपको यहाँ कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे. कहाँ से ये डॉगू आ गया है पीछे से. तो यहाँ पे तो लोग भी दिख रहे हैं मुझे काफ़ी. सो कसौल की मेन मार्केट से आपको थोड़ी सी ट्रैक करके आना पड़ता है छलाल विलेज में. और ये मुझे वुडन हाउस यहाँ पे एक था बहुत अच्छा लगा बट थोड़ा सा महंगा था. आई वॉज ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू डू सम बार्गेनिंग एंड आई कुड स्टे इन दैट एंड यस वी डिड इट. नाउ लुक एट दिस स्टे गाइस. क्विक रूम टूर फॉर यू गाइस. सो एंटर होते ही कुछ ऐसा है. And the bed is so wow, so wow, so wow. It's so good, एकदम comfy. And then यहाँ balcony. This is something really adorable. Look at the view, guys. ये washroom. क्या हुआ भैया? The washroom is old. So ouch. गिरने वाली थी मैं. Super nice. This is. गाइस देखो अभी कैसा लग रहा है रात में सीन. अभी मैं वहाँ बैठी हुई थी रिवर साइड. बहुत ही बढ़िया लग रहा है. और ये देखो ये वाली टेंट साइड है. मैं ये वाली साइड हूँ ये इस साइड. कल रात में ना मुझे ये डेयर मिल्क भिजवाई थी किसी सब्सक्राइबर ने. उनका नाम नितिन था. थैंक यू सो मच. मुझे आए थे यहाँ पे कोई सर थे होटल के वही बोलने की आपके लिए चॉकलेट्स है फ्रॉम योर सब्सक्राइबर. सो थैंक यू अगेन. सो फुल पीस एंड फुल हैप्पीनेस के साथ ये हमारा लास्ट डे था टू गो बैक टू आर बेसिक नॉर्मल लाइफ टू दिल्ली. एंड देन आई मेट दीज टू गर्ल्स हु वाज सो फनी. जब तक गाड़ी मेरे हाथ में ना हो तो चार को लेके मेरे हो गए. ओह शिट. को देखो देखो बोलो.
So I finally said bye to these two pretty pretty girls जिनका main destination Amritsar था. तो अब final time था off roading का main. जब ये bridge से गाड़ी जा रही थी, it was really scary for me. But then we did it, guys. आपको इस vlog से कुछ सीखना हो या ना हो, that's your call. But then just a thing that enjoy sometimes, take a break, do whatever you like, but do give importance to yourself. That is what I mean from this vlog. We are young, very, very powerful minds, but sometimes even we need a break. Thanks for watching.